आज पूरे हरियाणा में डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा विभिन्न मांगों के चलते सभी सेवाएं बंद रखने का ऐलान किया गया था। डॉक्टर का कहना था कि सभी सेवाएं, चाहे ओपीडी हो या इमरजेंसी वीआईपी ड्यूटी, सभी सेवाएं बंद रखी जाएगी। लेकिन कुरुक्षेत्र नागरिक अस्पताल में डॉक्टर की हड़ताल का कोई भी असर नहीं दिखाई दिया। सभी सेवाएं सुचारू रूप से चलती दिखी। जो भी मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा, डॉक्टर उसका इलाज करते नजर आए। कुरुक्षेत्र सीएमओ डॉक्टर सुखबीर ने बातचीत के दौरान बताया कि सरकार की तरफ से डॉक्टर की मांग को लेकर सकारात्मक रिस्पांस आ रहा है। कल डॉक्टर के साथ एक मीटिंग भी हुई थी, जिसमें डॉक्टर को इस सकारात्मक रिस्पांस के बारे में बताया गया, जिसके बाद डॉक्टर ने भी इस बात को समझा और आज कुरुक्षेत्र नागरिक अस्पताल में सभी डॉक्टर अपने काम पर दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में सभी सेवाएं, चाहे ओपीडी हो या इमरजेंसी सेवाएं या फिर विप, सुचारू रूप से जारी है। कुरुक्षेत्र से हमारे पत्रकार रामपाल शर्मा की विशेष रिपोर्ट, देखते रहिए अजीत समाचार वेब टीवी। हम शिक्षण है जी, मैं यहाँ गुरुसर के इलाज करा रहा हूँ जी। मैं तो लगातार चेक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आई किसी भी चीज़ में। एक्सरे लिखा ना, बल्कि मेरी तबीयत ज़्यादा जब खराब हो गई थी, गेले में दाखिल करा है जी, अल्ट्रासाउंड एक्सरे सारे टेस्ट कराए राती, कोई दिक्कत नहीं। तीन दिन से डॉक्टर हड़ताल पे, आज डॉक्टर आए हैं, देखा आप लोग? हाँ जी, हाँ जी, अक्सर डॉक्टर ने गौर से देखा गया, दवाई देखा गया, कोई दिक्कत नहीं। और हड़ताल से भी वैसे भी आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिटन है सर। दिक्कत आ रही है बताओ आपको? यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की दिक्कत आ रही भाई जी, ठीक है। मतलब की डेट डेट देते हैं डॉक्टर, बोलते हैं कल को आना, परसों को आना। पहले मेरी डेट थी 27 तारीख, 18, 26 ऐसे, यार आज भी मुश्किल ही है। कल भी हड़ताल पे था डॉक्टर, और आज भी, अब आया टाइम देखो 12 बज के, और अभी भी कह रहे हैं इमरजेंसी वाले को लेंगे, अल्ट्रासाउंड वालों को बाद में देखेंगे। अगर हम जब लेट हो जाए फिर तो ये बोलते हैं आप लेट हो गए, इतने लेट हो गए, क्या दिक्कत है, अब तक अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं करवाया? अब यहाँ पे 1 महीना हो गया, अब तक अल्ट्रासाउंड ही नहीं हुआ। तो हड़ताल पे डॉक्टर 3-4 दिन से कोई फर्क पड़ा? कुछ नहीं फर्क पड़ा भाई जी, हड़ताल पे क्या 10 मिनट ऊपर जो मीटिंग हो इनकी 20-25 मिनट, उसके बाद आते ही नहीं यहाँ पे। क्या नाम आपका, कहाँ से आई हैं? मैं चिब्बे से आया हूँ। आपका कहाँ से आए हैं? मेरा नाम है जी गुरदयाल सिंह, गांव दयालपुर, जिला कुरुक्षेत्र। यहाँ तो जी जो अल्ट्रासाउंड वाले की 4 महीने पहले यहाँ एक डॉक्टर था, वो यहाँ से अपनी प्रमोशन करवा गया, उसके बाद यहाँ लोग धक्के खा रहे हैं। कम से कम 3-3.5 महीनों से डेट पे डेट दिए जा रहे हैं, और जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी का बहाना बना के लोगों को यहाँ से कह देते हैं तुम्हारा आज नंबर नहीं पड़ेगा। यहाँ की जो एक्सरे वाली अल्ट्रासाउंड वाले बैठे हैं आज, डॉक्टर हैं लेकिन ना ही बराबर हैं, चेक कर रहे हैं मरीजों को बस जी, नाम मात्र। ये भी बुध सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को हड़ताल थी 3 दिन के बाद, अब इस हड़ताल तो अब हुई, हड़ताल से पहले भी बुरा। क्या बताएंगे हड़ताल को लेकर, क्या कुछ है कुरुक्षेत्र का एकमात्र सरकारी अस्पताल? हड़ताल को लेकर के कल मैंने सभी डॉक्टर्स की मीटिंग बुलाई थी, और जो मेरे को ऊपर से मैसेज मिला था DGHS हरियाणा का, कि जो भी डिमांड्स हैं डॉक्टर्स की, सरकार उन पर सकारात्मक विचार कर रही है, उनकी डिमांड पूरी हो जाएंगी। इसलिए सामान्य अस्पताल कुरुक्षेत्र में और सभी CHC PHC में, जिले के सभी CHC PHC में कोई भी डॉक्टर स्ट्राइक में नहीं है, सभी OPD सामान्य रूप से चल रही हैं, इमरजेंसी भी सामान्य रूप से चल रही है, कोई बाधा नहीं है स्वास्थ्य सेवाओं में। मरीजों को चेक कर रहे हैं डॉक्टर? सभी मरीजों को चेक कर रहे हैं जैसे पहले करते थे, रूटीन में सभी काम में कोई बाधा नहीं है हमारे। कोई अपील रहेगी डॉक्टर्स को या मरीजों को? डॉक्टर्स को अपील पहले भी मैंने जैसे मैं बता रहा हूँ, कल मैंने सबको समझा दिया था, डॉक्टर्स को फिर दोबारा से मेरी अपील है कि हरियाणा सरकार जो जैसे मेरे को मैसेज मिला है, इनकी जो भी डिमांड्स है उन पर सकारात्मक विचार करके पूरी करने की कोशिश करेंगे। और मेरी उनसे विनती है कि क्योंकि ठंड का मौसम है, कहीं एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं और भी दिक्कत आ जाती है मरीजों को, तो कि मेरी उन्हीं से यही विनती है कि सभी मरीजों को अटेंड करें, OPD भी अटेंड करें, इमरजेंसी भी सर्विस भी दें।